अब अफगानिस्तान से सुरक्षित अपने घर आना चाहते हैं। कानपुर की एक महिला भी इन्हीं संघर्षों से जूझ रही है। महिला की बेटी 2013 से अफगानिस्तान में है। महिला ने बताया कि 2013 में मुंबई में जॉब करने के दौरान अफगानी युवक से लव मैरिज कर अफगानिस्तान चली गई थी। परिजनों ने बताया कि युवक ने उसकी बेटी को बेच दिया है और खुद मुंबई में आकर जॉब कर रहा है। वही पीड़ित परिजनों ने प्रधानमंत्री से अपनी बेटी को वापस लाने की गुहार लगाई है। अरे अपनी लड़की के लिए कि हमारी बेटी आ जाए, रोती है वहाँ। कहाँ है आपकी बेटी? अफगानिस्तान में। कैसे गई थी अफगानिस्तान? अब वो जो है वहाँ काम करती थी मुंबई में, वहाँ से उसका इलेक्शन हो गया है, वो लेके चला गया। शादी करके ले गया था? कैसे ले गया था? अब ये बताता था कि हमने शादी कर लिया। कितने दिन हो गए गए हुए? 2013 में गई है। अब क्या कह रहे हैं, क्या फोन आया, क्या जानकारी हुई आपको? जानकारी ये हुई कि हमारी बेटी को जो है वो वहाँ छोड़ दिया, कह रहा है यहाँ नहीं लेके आएंगे। बेटी से बात हो रही है आपकी? हाँ बात होती है। बेटी ये कहती है कि हमको बुला लो, परेशान है। आने दे रहे हैं कि बैठाल के रखा, घर बंद कर रखा, क्या है? अब अफगानिस्तान ही मालूम है हमको कि अफगानिस्तान ले गए हैं बस। देखिए, बाबूपुरा थाना के अंतर्गत बगाही में हिना खान एक भारतीय नागरिक हैं, जो कि इस वक्त काबुल के करीब 80 किलोमीटर दूर एक झुरमुट नामक एक जगह है, वहां पर फंसी हुई हैं। उनके दस्तावेज़ 2-3 दिन पहले मुझे मिले थे, तो हमें ये वास्तविकता पता लगानी थी कि वाकई में उनकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है, किस तरह से फंसी हुई हैं। तो उनकी माता जी समीरुन्निसा के पास उनका फ़ोन आया और उन्होंने अपनी लोकेशन बताई। इस संबंध में हमने DCP साउथ रवीना त्यागी जी के कार्यालय में सूचना दी, विदेश मंत्रालय को अवगत कराया और विदेश मंत्रालय के काबुल रेस्क्यू टीम जो है उसके नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर इनकी पूरी डिटेल फॉरवर्ड करी और इनका रजिस्ट्रेशन करवाया। देखिए, एलिगेशन ये है, आरोप इनकी माता जी की तरफ से है कि एक नाम मैं इसलिए नहीं डिस्क्लोज करूँगा कि जाँच का विषय है और पुलिस इसमें जाँच कर रही है, इससे जाँच में असर पड़ सकता है। तो जो इसका पति है वो बॉम्बे में रहता था, जहाँ इनकी हिना खान से मुलाकात हुई और उसे प्रेम जाल में फांस के शादी करी गई। शादी करने के बाद इसे अफगानिस्तान भेज दिया गया। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपना बयान